अब ये आप देख रहे हैं उस वीडियो को पार्ट टू, जिसमें पहले वीडियो में हमने आपको जो नॉर्मली पेंट होता है ब्रश से, हमने इस पर पेंट किया था, और अब इस पर हम स्प्रे से पेंट करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो पिछली वाली पेंट थी उसको हम इस प्रकार रब कर ले रहे हैं, और इसी प्रकार पूरी पेंट को रब कर लेना है हर जगह से, और हल्का हल्का इंजन पे भी मार देना है, और टंकी भी रब कर लेनी है। जो पिछली वाली जो पॉलिश थी उसको तो 100% आपको छुटाना ही है, क्योंकि अगर पिछली वाली पेंट इस पे रही तो जो नई वाली अपने पेंट करेंगे वो छुटने के चांसेस रहेंगे। तो अब हमने ये टंकी को रब कर लिया है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, जो पहले वाली जो पेंट थी उसे तो हमने पूरा छुटा के इसको भी थोड़ा थोड़ा रब कर दिया है, लेकिन पूरा रब करना नहीं है आपको। जैसे यहाँ पर तो हमारी काई वाई वगैरह आई हुई थी, इस वजह से ये तो वैसा है, मगर जो जैसा मैंने किया है रब उसी प्रकार आपको रब कर लेना है। आप इधर भी देख सकते हैं, और इन पर भी मैंने रबिंग की है, और इस पर भी हुई है, देख सकते हैं आप, इसी प्रकार आपको भी कर लेनी है। और जो ये हैं इसके कवर्स, उनको भी रब कर लिया है हमने, इसी प्रकार आपको सभी को कर लेना है। और इसको बिल्कुल सही से, इधर आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी रबिंग कर दी है, और मतलब रबिंग करना ज़रूरी नहीं है इंजन पे, लेकिन साफ कर देना है बिल्कुल सही ढंग से। और इधर से आप नीचे से भी देख सकते हैं, मैंने नीचे से भी बिल्कुल कार्बन वगैरह जो होती है मोटरसाइकिल पे वो बिल्कुल साफ कर दी है, आप देख सकते हैं इधर से भी, और इधर से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको भी बिल्कुल कार्बन वगैरह को साफ कर लेना है, क्योंकि कार्बन के होते ये पेंट सही से नहीं कैच कर पाएगी, सो आपको इसे बिल्कुल रब कर लेना है सही से। तो अब हमने ये मोटरसाइकिल खोल ली है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ हमको इस ब्लैक पेंट से बचाना है वहाँ पर हमको अखबार लगा देने हैं, क्योंकि अगर ब्लैक पेंट उस पर पहुँच जाएगी तो बिना पेट्रोल के छुटेगी नहीं, अगर पहुँच भी जाती है तो आप पेट्रोल लगा के छुटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार आपको क्या करना है, फिर लेनी है अपनी जो स्प्रे है, वो कोई भी स्प्रे हो जो आप यूज़ करते हैं, हमने तो ये एशियन पेंट्स की ली हुई है, तो हमको इसको हिला लेना है, और हिलाने के बाद सही से हिला लेनी है, उसके बाद हमें तो आपको इसे रब हिलाने के बाद आपको क्या करना है, पूरे पे पहले एक लेयर बना लेनी है हल्की हल्की, तो इस प्रकार हमें बना लेनी है, इधर से दिखाइए आप, तो चलो आगे से ही बनाते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, तो इस प्रकार एक लेयर बना लेनी है ऐसे, हमें एक लेयर बनाने के बाद एक्सरी लगानी है, एक लेयर बना लेने हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये टैप ले लेना है और इस पे लगाना है बड़ी सावधानी से, तो यहाँ पर जो किनारी है वो बचा देनी है इस प्रकार से कि ये देखिए आप बिल्कुल फिक्स करके किनारियों को बिल्कुल लगाना है यहाँ पे पूरे पे फुल पे। उसके बाद आपको जब किनारी पे ये टैप लग जाए तो क्या करना है, एंड से काट देना है, ये लगा दिया, और ये इस साइड इसी प्रकार चारों साइडों से हमें लगा लेना है। अगर कोई छोटा स्टिकर है जैसे मेरा, तो आपको पूरे पे टेप लगा देना है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कोने हैं इसके, ये जो कोने हैं इनको सही से कट कर देना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ, ये कोनों पे से बिल्कुल टैप छुटा देनी है आपको, से बिल्कुल टैप छुटाने पर आप ये क्या होगा, जो बाकी सरफेस होगा उस पर पेंट हो जाएगी, बाद में हम इस टैप को छुटा देंगे और आपका सरफेस बिल्कुल क्लियर निकलेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये हम जो टैप काट ले रहे हैं, और आप ऐसे देख सकते हैं, और इसी प्रकार से हमें टंकी वगैरह पे भी कर लेना है, अभी आपको दिखा देंगे, उन पे मैंने कर लिया है, क्योंकि वीडियो फिर भी बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ आपकी सामने और अच्छा ही करता हूँ,
और देसी तरीके से करता हूँ, क्योंकि हर किसी के पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं इस वजह से। तो जो हमने इस पर टैपिंग कर ली है, और यहाँ पे जो स्टिकर है इस पर भी कर लेनी है, इस पर भी टैप मार लेना है हमें, जैसे ये है। तो यहाँ पे ये टैप को इस तरह से, वैसे आपको स्टिकर के हिसाब से टैप लाना है, जैसे आपके चौड़े स्टिकर्स हैं तो आपको थोड़ा चौड़ा टैप लाना है। और वैसे नॉर्मली ये टैप बढ़िया है, कागज़ का टैप, ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आप ला सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर की शॉप को। और वैसे आप जहाँ से पेंट लाएंगे ऑफलाइन मार्केट में, वहाँ पे भी ये आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ये टैप मारने के बाद इनको काट देना है यहाँ से, और इस पर भी मार देना है इसी प्रकार, बिल्कुल ढक देना है इसे। इस पर ये ढक देने के बाद आपको क्या करना है आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और ये मैंने इसे ये ढक देना है, इस टैप को सही से इस पर चिपका देना है अंदर को। तो अब आप देख सकते हैं जो हमने क्या किया है अब तक, कि ये देखो इन पे टैपिंग की है, और यहाँ से ये कट किए हुए हैं डिज़ाइन में, और यहाँ पे सिल्वर की हुई है पहले से, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये टैंक के हमने ब्लैक की हुई है, बिल्कुल जो टोटल चीज़ है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। और ये जो हमारा ब्लैक टंगा हुआ है यहाँ पे भी हमने कर दिया है, यहाँ पे टांगने की जगह थी नहीं इस वजह से हमने ऐसे किया है। और ये सिल्वर का ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी ये सिल्वर की हुई है हमने, और ये सिल्वर की हुई है, और ये ब्लैक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो चीज़ है आपके सामने है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आपके लिए मैंने ये पूरी मोटरसाइकिल खोल के सिर्फ आपकी अनबॉक्सिंग के लिए, और मतलब आपको ये पेंटिंग सिखाने के लिए किया है। तो अब इस मोटरसाइकिल को भाई ने कस दिया है, और यहाँ पे कसाई का काम जारी है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो इंजन की शाइनिंग है वो कितनी बेहतर है, ये जो आप देख रहे होंगे। और अब मैं आपको बताऊं, जो आपको कैमरे में दिखाई दे रही है सेम उससे ज़्यादा शाइनिंग है। मैं आपको बताऊं, जो ये सिल्वर है ना, ये बहुत ही बेहतर कंपनी है। और यहाँ पे आपको दिखाऊं कि वाइट कलर में भी थोड़ी शाइनिंग है, आप देख पा रहे हो। तो वैसे अगर कैमरे में नहीं आ रहा हो तो आप समझ लेना उसमें शाइनिंग है, बहुत सारी है। और ये कसाई का काम जारी है, और ये जो टोटल मॉडिफिकेशन है आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी अब गाड़ी है कुछ इस प्रकार है, और अब आप देख रही यही होंगे कि ये शाइनिंग बिल्कुल मस्त तरीके से कर रही है। और यहाँ पर ये सिल्वर देख सकते हैं, इंजन वगैरह सब चमक गया है, और नीचे से भी आप देख सकते हैं टन हो गई, और पहले आपने वीडियो में देखा ही होगा कि वो कैसी थी। और जो कुछ है आपके सामने है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी द्वारा लाई गई ऐसी नई नई वीडियोस का मज़ा ले सकें, और हम आपको कुछ नया सिखा सकें, और आपके लिए हम और प्यार दे सकें। इस वजह से हम वीडियो में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। हमारी अंत तक यही गुजारिश रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, बार बार मैं आपसे यही कहूँगा।